नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अकाउंट्स ट्री पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का टॉपिक हिडन गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में टोटल 7 केस हैं और 6 केस की वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 7 वो लास्ट केस है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, हिडन गुडविल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इससे पहले की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप बाकी की पहले की वीडियो जरूर देखें ताकि सीक्वेंस में देखने से आपको चैप्टर आसानी से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, जैसा कि नाम से ही लगता है, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से हिडन गुडविल का मतलब होता है हुए छुपी हुई गुडविल। आपको पूरे क्वेश्चंस में वो गुडविल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा और लास्ट में वो आपसे कहेगा कि जर्नल एंट्री कीजिए गुडविल की। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं गुडविल ही नहीं है और लास्ट में हमसे कहा गया है कि गुडविल की जर्नल एंट्री प्रिपेयर कीजिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गुडविल जरूर है, पर वो क्या है, छुपी हुई है, और वही छुपी हुई गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। तो हिडन गुडविल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, ये है वो फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को कैसे हम समझते हैं वो देखते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, सबसे पहले हमें यहां कैलकुलेट करना होता है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, हमें नए पार्टनर की कैपिटल दी होती है और हमें मल्टीप्लाई करना होता है नए पार्टनर के शेयर के रिवर्स से, यानी रेसिप्रोकल से। जैसे मान लीजिए नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है और वो 1/4 के लिए आ रहा है, तो हमें उसके शेयर को रिवर्स करना पड़ेगा 4/1, तब जाके हमें पता चलेगा कि पूरे बिजनेस की कैपिटल कितनी है। फिर हम माइनस करते हैं उसमें से नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर का यहाँ पे मतलब है ओल्ड प्लस न्यू, सभी पार्टनर, प्लस कोई रिजर्व है आपके पास, P&L अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस आप जानते हैं ये प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। माइनस P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस लॉस को शो करता है। माइनस एपियर गुडविल, अगर आपकी कोई पुरानी गुडविल है, एपियर है, तो वो भी यहाँ पे माइनस करते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा के हमें नेटवर्थ पता चलता है। टोटल कैपिटल में से हम नेटवर्थ को माइनस करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं टोटल गुडविल ऑफ फर्म। टोटल गुडविल ऑफ फर्म जब आता है तो हम नए पार्टनर के शेयर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें नए पार्टनर की गुडविल या नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रीमियम हमें कैलकुलेट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला लगा के आप हिडन गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे ये हमें और आसानी से आ जाए, लेकिन उससे पहले हमें यहां पर हिडन गुडविल में ये ध्यान देने वाली बात है कि हिडन गुडविल में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। जैसा कि हमने केस 6 में पढ़ा था कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा बिल्कुल भी नहीं लाता, तो सेम एज इट इज हिडन गुडविल में भी हमें यह एज्यूम करना पड़ता है कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। और केस नंबर 7 हिडन गुडविल की एंट्री जस्ट केस नंबर 6 की तरह ही होती है। तो क्वेश्चन एक करते हैं जिससे आपको डाउट भी क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन कहते हैं ए और बी पार्टनर हैं और उनकी कैपिटल है 60,000 और 1,20,000 और वो डिसाइड कर रहे हैं सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। सी इज टू ब्रिंग अ सम ऑफ ₹70,000, जो सी है वो ₹70,000 कैपिटल लेकर आ रहा है और हमसे कहा हुआ है कि अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। अब जरा आप क्वेश्चन में देखें, हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल भी दी हुई है, नए पार्टनर की भी कैपिटल दी हुई है, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में हमें गुडविल के बारे में नहीं कहा हुआ है, लेकिन लास्ट में हमसे कहा हुआ है कि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें समझना चाहिए कि ये हिडन गुडविल का केस है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूल अभी आपके सामने था। सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, देखिए नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है, 70,000, और उसका शेयर है 1/4, तो हमने आपको कहा था शेयर को रिवर्स कर दीजिए, तो टोटल कैपिटल बिजनेस की हो जाती है 2,80,000।
माइनस करते हैं नेटवर्थ, नेटवर्थ का रूल हमने आपको बताया था टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर, तो सभी पार्टनर चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो सबकी कैपिटल को हमें यहां पे प्लस करना है। तो पुराने जो पार्टनर हैं उनमें एक की कैपिटल है 60,000, दूसरे की कैपिटल है 1,20,000 और जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल है 70,000। इस क्वेश्चन में ना हमें रिजर्व गिवन है, ना पी एंड एल गिवन है, ना एपियर गुडविल, कुछ भी गिवन नहीं है, तो बस हमारा फॉर्मूला यहीं तक ही पूरा हो जाता है। तो अगर हम इसका टोटल करें तो हमारा टोटल हो जाता है 2,50,000। तो हमारा माइनस करके जो आएगा वो है 30,000 और हम इसको कहने वाले हैं टोटल गुडविल ऑफ फर्म। तो ये हमारे बिजनेस की टोटल गुडविल है। हमसे सिर्फ टोटल गुडविल ही पूछा है, नए पार्टनर का शेयर भी नहीं पूछा है। तो ये हमारा है आंसर टोटल गुडविल ऑफ फर्म। इसको अच्छी तरह देखिए समझिए फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपना नया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई पार्टनर है और दोनों की ही कैपिटल 50,000 ईच है और वो जेड को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए। जेड 80,000 कैपिटल लाता है और पी एंड एल अकाउंट शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस 40,000 और हमसे कहा हुआ है कि जर्नल एंट्रीज कीजिए गुडविल के लिए। तो देखिए इसमें भी हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं गिवन और हमसे कहा है कि गुडविल की एंट्री कीजिए। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक हिडन गुडविल का ही केस है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए शुरू में सबसे पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया था हिडन गुडविल निकालने का। तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, देखिए हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको कहा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, हमें सबसे पहले फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होती है। कैसे निकलता है ये फॉर्मूले में हमने आपको बताया था। सबसे पहले देखिए नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है 80,000, तो यहां पर नए पार्टनर की कैपिटल और नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो उसको रेसिप्रोकल कर दें अगर शेयर को तो वो हो जाता है 4/1। तो पूरे बिजनेस की कैपिटल हो गई है 3,20,000 रुपए। फिर हम माइनस करते हैं यहां पे माइनस नेटवर्थ, नेटवर्थ कैसे निकलता है, इसमें कैपिटल आती है ऑल पार्टनर्स ओल्ड प्लस न्यू सभी की इसमें कैपिटल आने वाली है। तो देखिए पुराने पार्टनर की कैपिटल है 50,000 प्लस 50,000 और नए पार्टनर की कैपिटल है 80,000। रिजर्व इस क्वेश्चन में नहीं है, हमें एक और नया अमाउंट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए प्रॉफिट होता है, तो वो भी यहां पर क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो इसके बाद और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इन सबका टोटल हम करें तो ये बैठ जाता है 2,20,000। तो इसको माइनस करके हमारा आ गया है 1,00,000। इसको हम क्या कहते हैं, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, ये पूरे बिजनेस की गुडविल आ गई है। अब हमें कैलकुलेट करना है नए पार्टनर का शेयर, नया पार्टनर कौन था, नया पार्टनर है जेड। तो अगर हम जेड की गुडविल निकालें तो जेड का शेयर आता है, पूरे बिजनेस की गुडविल है 1,00,000, जेड का शेयर है 1/4, तो उसकी गुडविल बन जाती है 25,000। यानी नए पार्टनर को गुडविल कितनी लानी चाहिए, 25,000। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा हिडन गुडविल के केस में हम ये मानते हैं कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, तो सेम वही एंट्री हमें यहां पर करनी है जो हमने केस नंबर 6 में की थी। तो क्या एंट्री, एक बार उसको करते हैं। एंट्री बनती है सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर सिर्फ क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल, और वो भी कितनी कैपिटल ला रहा है, 80,000 रुपीज। प्रीमियम का पैसा नहीं ला रहा इसलिए हमें यहां पे प्रीमियम को शो नहीं करना है। फिर ये अगर आपको पता है कि नया पार्टनर गुडविल का या प्रीमियम का अमाउंट नहीं लाता है तो जो सैक्रिफाइस पार्टनर होते हैं वो उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट में से वो पैसा प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट एंट्री जो बनने वाली है वो बनेगी जेड
कैपिटल अकाउंट या आप करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, करंट अकाउंट डेबिट। और यहां पर सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है? ओल्ड पार्टनर। तो यहां पर हमारी जो एंट्री बनने वाली है टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर को कितनी गुडविल लानी थी? 25,000। तो वो उसकी कैपिटल या करंट में से कितना निकालने वाले हैं? 25,000 रुपीज। कई बच्चे गलती से क्या करते हैं, पूरे 80,000 ही विड्रॉ या ट्रांसफर कर देते हैं। गलत है, हमें सिर्फ उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करना है जो गुडविल का अमाउंट बनता है। तो 80,000 कैपिटल लाया, उसमें से 25,000 हम उसको गुडविल के ट्रांसफर करने वाले हैं। और ये किसमें ट्रांसफर होंगे? जो सैक्रिफाइस पार्टनर है। और इस केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस है, और ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और जब कोई रेशियो गिवन नहीं होती तो हम इक्वल रेशियो मान लेते हैं। तो 25,000 को इक्वल इक्वल रेशियो में ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइस पार्टनर भी है उसको ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ये हमने पहले कैलकुलेट की हिडन गुडविल, नया पार्टनर से क्या ला रहा है, कैपिटल का अमाउंट, और फिर नए पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट में से जो प्रीमियम उसे लाना था वो अमाउंट सैक्रिफाइस पार्टनर ट्रांसफर कर लेते हैं अपने अपने कैपिटल अकाउंट में। तो इसको अच्छी तरह से देखिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हम आपको इसमें सैक्रिफाइस रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के सारे केस, सब कुछ हम आपको इसमें करवा चुके हैं। अब हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बड़े क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। जी हम बात कर रहे हैं रिवैल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। अब जो हमारी नई वीडियो होने वाली है उसमें हम इन्हीं टॉपिक्स को आगे पढ़ने वाले हैं। अभी ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, सबसे मेन टॉपिक तो अब इसका आने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं इसी चैप्टर की नई वीडियो के साथ।